नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजार रुका में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजार रुका में चर्चा करेंगे हम यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। रुपए जी, M6 कॉटन में हमने 50,000 के बाद अब सीधे 45,000 पर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 5,000 पॉइंटों की जो गिरावट है सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पर बनते हुए देख ली है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कॉटन का जून वायदा तो M6 पर 45,900 के ऊपर है, वहीं मई वायदा 48,800 के ऊपर। रुपए जी, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं कि 3,000 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी जो है वो अगले महीने में वो जो डिमांड जो है हो सकता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे, और इस वजह से थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर, वायदे के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि पोजिशनें भी अभी स्केयर ऑफ होनी है और काफी लोगों ने ऊपरी स्तरों पर जो है वो खरीदारी कर रखी है, इसलिए भी थोड़ा सा मार्केट जो में जो है वो गैप देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखें तो कॉटन में करेक्शन का दौर जारी हो चुका है। अब तो यहाँ से मुझे लगता है कि डिक्लाइन ही बनता हुआ दिखाई देगा और शार्प डिक्लाइन आ सकता है, जिस तरीके से हम इसको लुढ़कता हुआ देख रहे हैं। 40,000 के नीचे भी कॉटन लुढ़कती हुई दिखाई दे सकती है वायदा के अंदर, और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी इसमें गिरावट जो है वो आगे चलकर बढ़ सकती है। जी रूपे जी, लेकिन कॉटन में देख रहे हैं कि चाइना हुआ, चाइना में जितनी भी कॉटन रीजन है, जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, कॉटन बेल्ट है चाइना में, दूसरा US टेक्सस में, यहां पर कॉटन की डिमांड लगातार जारी है, और ये जो दोनों ही देशों में कॉटन की जो क्रॉप है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, और वहाँ भी ऐसी खबरें हैं कि जो फार्मर्स हैं कॉटन की ओर ज़्यादा शिफ्ट होंगे और कॉटन को ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसका असर कहीं ना कहीं भारत में भी कॉटन की प्राइसेस पर पड़ेगा? देखिए, आगे चलकर हो सकता है पड़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी के लिए जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है हम उस पर अभी बात करेंगे, क्योंकि देखिए आगे क्या प्रोडक्शन रहेगा और किस तरीके से सोइंग के आंकड़े निकल कर आएंगे, आगे फर्दर कैसा मॉनसून रहेगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो डिमांड जो है इन लेवल्स के ऊपर वो पिकअप होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट्स भी अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से और पहली बार हमने देखा है कि इतने हाइक जो है वो प्राइसेस के अंदर देखने को मिला है। आगे अभी जैसे कि पीछे जो क्रॉप डैमेज हुई थी उसका इंपैक्ट आता हुआ हमने फिलहाल प्राइसेस के ऊपर आता हुआ देखा। अब अगला सीजन कैसा होगा, कितनी क्रॉप आएगी, उसके ऊपर किस तरीके का प्रोडक्शन निकल कर आएगा, तो ये सारे फैक्टर्स जो है अहम रोल प्ले करते दिखाई देंगे। और अभी के लिए जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अब इस सीजन का पीक निकल चुका है और मुझे लगता है कि यहां से करेक्शन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है और कपास की कीमतों में अब गिरावट आ सकती है। जी, यहीं से रुपए जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने अब लोअर लेवल से बाइंग निकलते हुए देखी है जो 2800 से 2900 की रेंज में है। रुपए जी, क्या लगता है, फंडामेंटल तो देख रहे हैं तेजी वाले हैं, हाजिर में भी जो बिनौला खल का बाजार है वो भी तेजी वाला है, 3000 से 4400 तक का जो बाजार है हाजिर में बिनौला खल का है, लेकिन वायदा में ऐसा तेजी क्यों नहीं है? वायदा में इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से वायदा में जो बिनौला खल है उसका बाजार 3000 के ऊपर उठ नहीं पा रहा है फिर से? देखिए, वायदा में अभी यहाँ पर लोगों का विश्वास जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पोजिशनी अभी नहीं बन रही है, डिलीवरी भी लोग नहीं लगा रहे हैं, और जो हाजिर के अंदर हम तेजी आते हुए देख रहे हैं उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा खरीदारी हावी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अभी जहां तक रही बात तेजी की, मार्केट में ये तेजी जो है यहाँ तक ही सस्टेनेबल लगती है, इससे ज्यादा तेजी नहीं है बिनौला खल में, और कभी भी मार्केट जो है वायदा के अंदर भी गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हम हाजिर में और वायदा के अंदर इसमें गिरावट देख रहे हैं, हाजिर में भी मार्केट गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत मार्केट जो सपोर्ट ले रहा है हाजिर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कोई वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है, आने वाले दिनों में इसके अंदर गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब डिमांड जो है वो दिखाई नहीं दे रही है अभी फिलहाल के लिए, और ये तेजी सस्टेनेबल नहीं लगती है, क्योंकि हाजिर और वायदा में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा मार्केट, आगे चलकर इसमें गिरावट बढ़ सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ पे अगर कैस्टर सीड की, तो कैस्टर में भी हमने यहाँ पे ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली बनते हुए देखी थी, 7700 के लेवल के बाद अब देख रहे हैं 7400 पर ट्रेड कर रहा है, 300 लेवल की गिरावट है। रूपा जी, क्या लगता है अगर चाइना, जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि चाइना 1 जून से लॉकडाउन से पूर्ण रूप से बाहर आ जाएगा, और अगर चाइना से कैसे की डिमांड निकलती है, तो क्या रूपा जी कैस्टर सीड 8000 के भी पार जा सकता है?
देखिए अभी मैं कहना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरीके से 7600 के ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी आ रही थी तो प्राइसेस जो है पॉजिटिव लग रहे थे और टेक्निकली चार्ट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगेन यहां से फिर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और वहीं से उसी लेवल से मार्केट वापिस से घूमा है और नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर अभी 7200 का टारगेट हो सकता है कि पहले मीट होता हुआ दिखाई दे, उसके बाद हो सकता है फिर वापिस से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए 7200 से लेकर 7500 की रेंज इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी 8000 का स्तर कहना मुश्किल है, और अगर एक्सपोर्ट पिकअप भी होते हैं तो उसमें टाइम लगेगा डिमांड निकलने में, और अभी प्राइसेस जो है यहाँ पर अगर सस्टेन रहते हैं 7500 के आसपास तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर तेजी में जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 7200 से लेकर 7500 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, मसालों की बात की जाए तो मसालों में हम ऊपरी स्तर पर सीमित दायरा देख रहे हैं, काफी लंबे समय से काफी महीनों से मसालों में अच्छी तेजी नहीं बनी है एक बार तेजी बनने के बाद। रूपा जी आपके अकॉर्डिंग और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छी तेजी कब तक एक्सपेक्टेड है, किस मंथ में जाके मसालों में हम अच्छी तेजी देख पाएंगे? देखिए आगे चलकर अभी जून के बाद आपको इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, अभी थोड़ा सा इस सीजन के अंदर डिमांड जो है थोड़ा सा कम होती दिखाई देती है मसालों की, लेकिन जैसे जैसे जून के बाद आगे जो है जुलाई अगस्त में वापस से पिकअप आता हुआ दिखाई देगा और डिमांड एक पिक होती नजर आएगी, और अभी भी कोई बहुत ज्यादा आप देखें तो गिरावट नहीं आई है इसके अंदर, ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली बनी रहेगी क्योंकि लगातार हमने देखा है कि चाहे वो धनिया हो जीरा हो ऊपरी लेवल पर सस्टेन है। हाँ हल्दी की बात करें तो हल्दी थोड़ा करेक्शन है और हल्दी में हम अभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि नीचे में 7800 तक लुढ़क सकता है मार्केट, वहां पर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर से बाइंग आती नजर आएगी, तो करेक्शन के अंदर इसमें भी बाइंग की ही रणनीति रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर चलें क्योंकि इनका फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है। आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि डिमांड पिकअप होने के चलते और जिस तरीके से प्रोडक्शन के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसकी वजह से इसमें आगे चलकर तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको? खबरें तो हैं कि अमेरिका से क्रूड का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इन्वेंट्री घट रही है, तो रूपा जी जो फंडामेंटल है तो ग्वार में तेजी वाला है, तो इसके बावजूद ग्वार के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए ग्वार के प्राइजेस इस लेवल के ऊपर हम सस्टेन होते देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार हमने देखा काफी वोलेटिलिटी वाली ये कमोडिटी रही है। अगर ऊपर के सर्किट लगते दिखते हैं दो दिन तो दो दिन नीचे के सर्किट लगने को दिखते हैं, लेकिन अब मार्केट काफी लंबे अरसे से इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से ना तो तेजी की तरफ जा रहा है मार्केट और ना ही यहां पे कोई गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, और इन लेवल्स के ऊपर यहां पर खरीदार थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हाजिर बाजारों की अगर बात करें तो वहां पर अच्छा स्टॉक है मंडियों के अंदर जो कि स्टॉकिस्ट के पास है, और अभी फार्मर्स ने भी काफी हद तक ग्वार को रोके हुए हैं क्योंकि आगे चलकर इसमें तेजी का रुझान एक्सपेक्टेड है कि बन सकता है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश बाइंग जो है वो यहाँ नहीं देखने को मिल रही है और इसलिए मार्केट जो है यहाँ पर सुस्ती के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रेंड इसमें भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। एक बार फिर से अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है 12000 के ऊपर तो ग्वार में लंबी तेजी की तरफ 15000 तक भी लेवल हो सकता है कि आने वाले समय में देखने को मिले। जी रूपा जी, खाद्य तेलों में क्या लगता है? इंडोनेशिया ने तो अपना एक्सपोर्ट चालू कर दिया है, फिर दूसरा अब ऐसी खबरें हैं कि जो रशिया है यूक्रेन से जाने वाले खाने के तेलों के जहाज को एक मानवीय रास्ता दे सकता है, मतलब वहां से जो सप्लाई होगी उस पर कुछ उसको प्रतिबंध नहीं लगाएगा उसके ऊपर रशिया, तो ऐसे में इन खबरों से आपको क्या लगता है क्या अब भारतीय तेल बाजार टूटता नजर आ सकता है क्या यहाँ पर? देखिए बिल्कुल तिलहन बाजार में अभी करेक्शन का जोन आगे चलकर देखने को मिल सकता है, लगातार हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि अब एडिबल ऑयल पैक में जो तेजी आनी थी वो आ चुकी, अब यहाँ से गिरावट की तरफ मार्केट एक बार जा सकते हैं क्योंकि आप देखिए महंगाई अब चरम सीमा को छूती हुई नजर आ रही है और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल में किया जा सके। इसके चलते ही हमने देखा कि जो जरूरत की चीजें हैं चाहे वो गेहूं हो या फिर शुगर हो इन सब के एक्सपोर्ट पर बैन लगता हुआ दिखाई दिया कल, और जहां तक तिलहन की बात है तो तिलहन में भी सरकार ने काफी जो है वो कदम उठाए हैं, अब इसके प्राइसेस अब यहां से तेजी ना जाए इसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली अभी जो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर जो है वो आगे चलकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इस सीजन अच्छे प्राइसेस मिले हैं तो आगे चलकर प्रोडक्शन भी एक्सपेक्टेड है कि सोइंग बढ़ सकती है, प्रोडक्शन कैसा होगा ये फर्दर देखना होगा, लेकिन हाँ सोइंग के आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं देंगे कि उसमें एक तेजी का रुझान बन सकता है, और यहां से
अब सीजन की तेजी निकल चुकी है और अब यहाँ से मार्केट जो है एडिबल ऑयल नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल इनके अंदर बाइंग में नहीं रहना चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। जिन्होंने बाइंग रखा है, जो भी रिबाउंस बैक मिले उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि आगे चलकर इस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन तेल तिलहन की बात की जाए तो हमने सोयाबीन दाना के भाव तो कम होते हुए देखे हैं, यहाँ पर एक सीमित दायरे में जाते हुए देखे हैं, लेकिन जो रिफाइंड सोया है, सोया तेल है, उसके दाम उसके मुकाबले रेशियो में ज्यादा तेजी आते हुए देखी है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो रिफाइंड सोया है उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में उसको ज्यादा यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि अब मस्टर्ड के प्राइसेस काफी ऊपर निकल चुके थे, इसलिए लोग शिफ्ट हुए हैं और रिफाइंड सोया के अंदर, जिसकी वजह से उसकी डिमांड अब पिकअप होती हुई दिखाई दी और अब वापिस से उसके प्राइसेस बूस्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिमांड की वजह से ही थोड़ा सा प्राइसेस के अंदर तेजी आते हुए दिखाई दी है और आगे चलकर अभी ये बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट जो है अब ऊपर नहीं है, अगर गिरेगा नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी दिखाई नहीं देगा, सस्टेन हो सकता है इन लेवल्स पर और डाउनसाइड बना रहेगा। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल गेहूं को लेकर है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी गेहूं को स्टॉक करके रखना सही रहेगा क्या? देखिए, गेहूं का स्टॉक किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, आपको होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि अभी तो एक्सपोर्ट बैन किया हुआ है सरकार ने, लेकिन आगे चलकर एक्सपेक्ट है कि एक्सपोर्ट खुल सकते हैं और आगे गेहूं का निर्यात जो है वो बढ़ सकता है और अपने यहाँ पर भी सप्लाई अच्छी खासी है, तो बहुत ज्यादा स्टॉक ना करें, लेकिन हाँ कुछ एक क्वांटिटी में स्टॉक करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, चावल का बाजार हम देख रहे हैं कि तेज है, हालांकि खबरें आ चुकी हैं सूत्रों के हवाले से कि चावल का जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन नहीं, उस पर सरकार बैन नहीं लगाएगी, एज इट इज चलता रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा होने की वजह से हमने कीमतों में यहाँ पे तेजी बनते हुए देख ली है, तो क्या ऐसे समय में चावल को ज्यादा निकालना सही रहेगा या फिर होल्ड करना? देखिए, अभी प्राइसेस जो है हर जगह पर हम देख रहे हैं कि तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे यहाँ पर भी प्रोडक्शन अच्छा खासा है और जब निर्यात मांग किसी भी चीज की निकलती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइसेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी थोड़ा सा और प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो वहां पर लिक्विडेट करने की कोशिश करना चाहिए, ज्यादा लंबा होल्ड ना करें, लेकिन हाँ अगर तेजी में आ रहा है मार्केट तो उस तेजी में धीरे धीरे माल को निकालते रहना चाहिए। ठीक है रूपा जी, मेंथा ऑयल में क्या लगता है आपको? देखिए अखिलेश, मेंथा ऑयल में बहुत ज्यादा भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, अभी आगे चलकर मुझे लगता है कि मेंथा भी गिरावट की तरफ जा सकता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है इस कमोडिटी के अंदर, तेजी के बाद लगातार हमने प्राइसेस को लुढ़कते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर भी इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं होगी, अभी कुछ हमने पिछले कुछ दिनों में तेजी आती हुई जरूर देखी है, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है इसके अंदर तेजी, मेरे हिसाब से इस कमोडिटी से थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, इसमें फिलहाल फ्रेश पोजिशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ग्वार के अंदर बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है, ग्वार आगे चलकर तेज हो सकता है और ग्वार के साथ साथ जीरा भी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ से जीरे में भी बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है, उस पर मैं तहकीक क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।